27th NA Awards 2019 में मेरे साथ हैं दीपक सैनी, और ये जो ट्रॉफी है ये मेरी नहीं है, ये दीपक भाई की है। दीपक भाई, गेस्ट ऑफ ऑनर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका माउथ ऑर्गन सुन के तो मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, और मैं पहले भी 3 बार आ चुका हूँ, ये मेरा चौथा था कार्यक्रम NAI में। कार्यक्रम हाँ, मेरा चौथा कार्यक्रम था। हालांकि जब मैं बोलता हूँ तो कई लोगों का चौथा हो जाता है, खासकर पॉलिटिशियंस का, जो मेरे सामने जो लोग बैठे होते हैं। आज भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, और NAI एक अच्छी संस्था है, 27वां ये उनका कार्यक्रम है। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको इस पूरे प्रोग्राम के लिए। सर बधाई तो हम भी दीपक भाई आपको बहुत 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 सारी देते हैं कि आप बहुत अच्छे से और ज़्यादा तरक्की करें। और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आपको, पहले वाला आप समझ सकते हैं, पहले वाला यानी कि मतलब लाफ्टर चैलेंज वाला। हाँ, लाफ्टर वाला। मैं एक्चुअली लाफ्टर चैलेंज 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था, पार्ट 3 में, जिस समय लाफ्टर चैलेंज आया था। और उस समय लाफ्टर चैलेंज इतना फेमस प्रोग्राम था, मुझे नहीं लगता उतना फेमस प्रोग्राम आज के टाइम में कोई टीवी पर चल रहा है ना। मैं उस काफ़ी यंग था, 12 साल पुरानी बात हो गई, हम जहाँ भी उतरते थे तो लोग पकड़ते रहे लाफ्टर चैलेंज वाला आ रहा है। बड़े बड़े सिंगर्स और सेलिब्रिटीज़ को लोग नहीं देखते थे, लोग हमें देखते थे। लेकिन आजकल चूंकि ये आपका पत्रकारिता का मंच है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कॉमेडी के नाम पर, जब से ये यूट्यूब और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, कॉमेडी के नाम पर कुछ लोग गालियाँ बेच रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है, लोग पैसे देके गालियाँ सुनने जा रहे हैं। तो ऐसे 3 या 4% लोगों से हमें बचना है, समाज को भी उससे खतरा है, देश को भी खतरा है। हाँ, मैं तब मान सकता हूँ वो कॉमेडी है जब वो अपनी माँ बहनों को साथ में ले जाए और वो कॉमेडी करें, क्योंकि कॉमेडी वही होती है जो आप पूरे समाज के साथ बैठ के कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए कुछ भी आप सुनाना चाहें या फिर मिमिक्रिंग। मैं आपके NAI को मोदी जी की आवाज़ में बधाई दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये जो NAI का अवार्ड है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इतना ही नहीं, ये जब मुझे इन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर दिया है, और आजकल चल रहा है कि देश में CAB भी आ गया है, लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं जी। CAB का मतलब होता है कैब, ये मोदी ने उधर से आने वालों के लिए कैब कराई है। अरे वाह। और इतना ही नहीं, अभी तो यहाँ से जाने वालों के लिए भी कैब होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपक।